यह है पोर्श की 911 GT1। शायद आपने कभी सुना भी ना हो इसका नाम, और पता नहीं कभी आप लोग देख भी पाएंगे इसको या नहीं। इंतहा ज़्यादा स्पेशल गाड़ी है ये। तो क्या है ये बेसिकली एक 1997 का मॉडल है, और ये एक रेसिंग कार है। ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये रेसिंग कार है ये, मगर आप इसको रोड पर चला सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली पोर्श को एक रेस में हिस्सा लेना था, मगर जो पोर्श की रेगुलेशंस थी उसने उनका रूल था कि भाई आप की गाड़ी जो है वो रोड गोइंग गाड़ी पे बेस्ट हो। तो उस रेस में हिस्सा लेने के लिए पोर्श ने फिर ये GT1 बनाई। बेसिकली इसमें पार्ट्स नॉर्मल पोर्श के 911 के हैं, हेडलाइट्स हैं और लोगो और बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी नॉर्मल पोर्श की हैं, मगर बाकी बॉडी और सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। GT1 इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बाकी जो और मॉडल्स हैं पोर्श के, जैसे GT2 और GT3, उनके नए नए मॉडल्स बनते रहते हैं, मगर इसके बाद GT1 का कोई और मॉडल बना नहीं है। करेरा GT है, मगर वो बहुत ही डिफरेंट है इससे, बिल्कुल डिफरेंट है, और वो 911 भी नहीं खिलाती। तो ये गाड़ी ज़बरदस्त है, और क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी। और बात यह है कि ऐसा में ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 20 हैं, और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं देखूँगा, क्योंकि ये लोग जब इसको ख़रीदते हैं तो वो फिर इसको रखते ही हैं, क्योंकि इसकी कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ते जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे इसकी कीमत कितनी है। चलें अभी गाड़ी को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये इसका पीछे का विंग है, कितना बड़ा सा है। और पीछे अगर आप देखें यहाँ पे केबन के, तो कवर्ड है इसमें। आप इंजन होता है यहाँ पे पीछे, तो ऑफकोर्स उन्होंने शीशा भी नहीं लगाया जैसे बहुत सी गाड़ी में होता है पीछे। तो बेसिकली एक पोर्श 911 ही है जिसको उन्होंने खींच दिया है, मगर फिर भी इसको देखें आप गौर से तो आपको पता चलता है कि स्पेशल गाड़ी है। विंडस्क्रीन के आर पार हर तरफ जिसमें कार्बन फाइबर है, और वाइपर्स इसके नॉर्मल से हैं। अच्छा, यहाँ छत पे वेंट भी दिया हुआ है ताकि अंदर हवा जा सके डायरेक्ट इंजन के अंदर, इंजन को ठंडा रखने के लिए। इसमें जो इंजन है वो है एक 3200 सीसी का इंजन, उसमें 6 सिलेंडर है सिर्फ। देखा जाए तो इंजन इतना बहुत बड़ा नहीं है, पोर्श बहुत बड़े इंजन बनाती भी नहीं है। अच्छा, पीछे की लाइट्स जो हैं ये भी नॉर्मल गाड़ी से ली गई हैं, इन्होंने GT1 के लिए अलग से लाइटें नहीं बनाई हुई। जैसे हेडलाइट्स भी 911 की हैं, पीछे की लाइट्स भी ऐसी हैं। यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है जिसमें वो पीछे के जब पहियाँ घूमता है तो उसकी हवा निकलती है हेडलाइट के, ये सॉरी टेल लाइट के पास से और नीचे से भी। और यहाँ विंग के नीचे थोड़ी सी ग्रिल दी हुई है ना वो इंजन की हवा के लिए। फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप भी लगे हुए हैं, और नीचे डिफ्यूज़र जो है वो कार्बन फाइबर का है। तो डिज़ाइन तो है बहुत खूबसूरत, मगर बिल्कुल पोर्श की तरह बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत सादा सा है। कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है, कोई बहुत हाईटेक नहीं है। तो हाँ, ये गाड़ी आई थी 1997 में, उसके बाद से ये तकरीबन गायब ही हो गई है। मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है इसको, और अभी आई थी शुरू में, तो बस मैं सब छोड़ छाड़ कर बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था आने के लिए, और अब मैं आया हूँ इस गाड़ी को देखने के लिए। इसकी टॉप स्पीड है 308 किलोमीटर फी घंटा, जो कि आजकल की गाड़ी के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर ये गाड़ी टॉप स्पीड के लिए नहीं बनी हुई, ये गाड़ी बनी हुई है हैंडलिंग के लिए। इसीलिए इतना बड़ा विंग है इसके अंदर पीछे, ताकि पीछे के पहियों पे जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हवा का दबाव रहे, और वो दबाव से जो है टायर्स की ग्रिप बढ़ती है, उससे गाड़ी की हैंडलिंग इंप्रूव होती है। तो पूरी गाड़ी का शेप और स्टाइल जो है वो ऑफकोर्स फुली एरोडायनामिक रूल्स के हिसाब से बना हुआ है। हर तरह से हवा को काटे, और जब ये गाड़ी टर्न करे तो गाड़ी को टर्न करने में मुश्किल ना हो। इंटीरियर मैं थोड़ा सा झाँक के दिखा सकता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल सा है, कार्बन फाइबर है, थोड़ा सा लेदर है, और बहुत हाँ एसी की जो ग्रिल है वो भी पोर्श की है, वो भी इन्होंने 911 से ली है। और स्पोर्ट्स सीट्स इसके अंदर वो भी लेदर की हैं, तो यानी इन्होंने इस चीज़ का तो चलो ख्याल रखा है कि इंटीरियर अच्छा हो इसका। इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? इस गाड़ी की कीमत है 15 मिलियन। 15 मिलियन दिरहम्स में आपको तकरीबन मिल जाएगी एक बुगाटी शिरोन, मगर ये है 15 मिलियन यूरोज़ की। जी हाँ, 15 मिलियन यूरोज़। मैंने कहा था ना कि इसकी वक्त के साथ साथ कीमत बढ़ती है, तो ये वाकई इतनी ही रह रहे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 20 हैं। तो इसमें क्या होता है कि आगे जो बंपर है वो खुला है, उसमें हवा जाती है, जो इंजन पे जो वेंट्स हैं उससे हवा निकल जाती है। अच्छा, इसी के बराबर में एक और गाड़ी है, वो है मर्सिडीज़ SLR McLaren स्टर्लिंग मॉस एडिशन। लिमिटेड एडिशन मॉडल है सुपर कार का, बेइंतहा खूबसूरत गाड़ी है। इस तरह बिल्कुल फुल सिल्वर में मैं खुद जो हूँ पहली बार इसी शोरूम में देखी है, और यहाँ पे अभी इसके बराबर खड़ी है, तो इसलिए मैं ऐसी बस आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी में कोई विंडस्क्रीन नहीं है, इस गाड़ी में कोई छत भी नहीं है, इसमें कवर लग चढ़ता है, तो इसमें दो लोग बैठ सकते हैं। तो पैसेंजर के साइड पर अभी कवर लगा हुआ है, ड्राइवर के साइड खुली हुई है, और आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर फुल कार्बन फाइबर है। अच्छा, मर्सिडीज़ का स्टीयरिंग व्हील है,
और सारे जो नॉब्स और बटन्स और एसी ग्रिल वह सब आपको नज़र आ रही है वो सब नॉर्मल मर्सिडीज़ की ही है। अच्छा पीछे की तरफ आते हैं तो इसकी जो टेल लाइट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये गाड़ी बेस्ड तो है वही एस एल आर मैकलारेन पे, मगर बाहर से अंदर से हर तरफ से बहुत ज़्यादा चेंज हुई हुई है। इसके एरोडायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। सिमिलरिटी ये है कि दोनों जर्मन हैं, दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि गाड़ी कैसे लगी। बाकी और पोस्टर्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर जाएगा, उस एस एल आर की वीडियो भी मेरे पास है वो भी ज़रूर देखेगा। अच्छा सेल्स मैन ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और ये देखा इसका इंटीरियर, तो स्टेरिंग व्हील पर देखें कितना सिंपल सा लोगो लगा हुआ है। डायल्स हैं वो सब एनालॉग है, कोई भी डिजिटल नहीं है। 911 GT1 का लोगो कितना खूबसूरत है। और पोर्श का मुझे ये पसंद है डैशबोर्ड फुल डिजिटल गोल्ड डायलों से भरा होता है, और वही साउंड सिस्टम है और एसी ग्रिल वही नॉर्मल पोर्श की है। ये गियर स्टिक भी बिल्कुल सिंपल सी है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे जब इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है तो लेदर की स्मेल आ रही थी। ये गाड़ी जैसे पता नहीं कितने सालों से बंद है और इसीलिए लेदर की जो स्मेल है वो अभी तक निकली नहीं है इस गाड़ी में से। बस अभी एक सपोर्ट बीम लगी हुई है यहाँ बैठ, बिल्कुल सीट के साथ, तो बैठना और निकलना इस गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो आराम से आ सकता हूँ, मैं तो हाइट कम है, मैं तो आराम से बैठ सकता हूँ इस गाड़ी के अंदर, मगर मुझे मेरी इजाज़त नहीं है। दरवाज़े के अंदर फुल कार्बन फाइबर है और ज़बरदस्त गाड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। आप बताइएगा मुझे आपको कैसे लगी।